दोस्तों आज हम श्रद्धांजलि देंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सर को। आज का ही दिन है 27 जुलाई 2015 की वो तारीख जिस दिन हमने अब्दुल कलाम सर को खो दिया था। उनकी 83 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई थी। आज हम अब्दुल कलाम सर को श्रद्धांजलि के रूप में इस वीडियो को उनको डेडिकेट करते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको बता दें कि आज के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो एक शिलोंग मेघालय में भाषण दे रहे थे। अचानक भाषण के देते वक्त बीच में ही उनकी हृदय गति रुक गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक सरल स्वभाव, अच्छे व्यक्तित्व के धनी और महान बुद्धिजीवी, भारत के सबसे होनहार वैज्ञानिक का तमका, या कहें वैज्ञानिक उनको माना जाता है। उनको मिसाइल मैन के रूप में भी लोग जानते हैं। दोस्तों आज हम आपको बता दें उनके कुछ बेहतरीन क्विट आपके सामने रखने वाले हैं। एक बात और जान लीजिए, वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार या सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। भारत का सर्वोच्च कोई भी ऐसा सम्मान नहीं जो उनको ना मिला हो। और आपको बता दें पूरे भारत में वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके फॉलोअर जितने भी हैं, कोई भी उनका ऐसा फॉलोअर नहीं है जो उनके बारे में निगेटिविटी या निरात्मक बात करता हो, क्योंकि वो राजनीति में थे जरूर, लेकिन राजनीति का उन पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अक्सर जीवन में कहा करते थे, आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनका एक बहुत ही फेमस क्वेट रहा है जो सभी लोगों के जवान पर रहता है, कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनके कुछ आज हम बेहतरीन क्विट आप लोगों के बीच रखने वाले हैं। जीवन में जब भी आपको लगे हम हारने वाले हैं, तो आप आंख बंद करिए, ईश्वर का नाम लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दो हार के बाद ही शांत बैठ जाते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम सर कहा करते थे कि अगर मैं हार के शांत बैठ गया होता तो आज भारत को प्रमाण शक्ति में इतना आगे तक नहीं ले जाया जा सकता था। वो अक्सर कहा करते थे कि जीवन में हमेशा कठिनाइयां आती रहेंगी। जब भी जीवन में कुछ नया होने वाला होता है तो पहले कठिनाइयाँ ही आती हैं, क्योंकि कठिनाइयों से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर सामने आ जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा नया करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हमें कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। आज हम अब्दुल कलाम सर के लिखे हुए ही कुछ क्विट आपको पेश करने वाले हैं, बताने वाले हैं, जिससे आपको अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आपको बता दें उनके कुछ महान क्विट ऐसे हैं, कहते हैं महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। वो कहा करते थे दोस्तों वो कहा करते थे कि छोटा लक्ष्य रखने वाले हमेशा अपराधी होते हैं। महान लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। जीवन में आगे बढ़ना है तो लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाएं, क्योंकि छोटे लक्ष्य अक्सर टूटने पर ज़्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि बड़ा लक्ष्य देखने पर छोटा लक्ष्य हासिल ही हो जाता है। इसलिए उनके कुछ महान क्विट आप लोगों को हम आज बताने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा और लाइक करके जाइएगा। दोस्तों आज हम उनके कुछ महान क्विट आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें समस्याओं को खुद हराने देना चाहिए। आपको बता दें वो कहा करते थे कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। अगर समस्याएं हम पर हावी हो गई तो हम हार जाएंगे। दोस्तों वो कहा करते थे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटे कभी भी छोटे से छोटा काम पर भी ये चीज़ को निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि छोटे चीज़ को भी अगर निगेटिव सोचते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने पर आपको काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। वो कहा करते थे क्या हम ये नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है। उनके बातें आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाप छोड़ जाती हैं। दोस्तों वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनको हम दुनिया देश हर जगह बहुत सम्मान पाते हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने पर गए हों, उनके हमेशा सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। दोस्तों आपको बता दें कि कहा जाता है कि अब्दुल कलाम जी जब भी सुबह नित्य क्रिया के लिए जाते थे, उनके पीए के हाथ में एक पेन और एक डायरी हुआ करती थी, क्योंकि उनके दिमाग में कौन सी बात कब आ जाए ये वो खुद नहीं जानते थे। इसलिए वो लिखने के लिए पेन और डायरी हमेशा अपने साथ रखा करते थे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अब्दुल कलाम सर को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर करना ना भूलें।
चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, हम आपको ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा देते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आखिरी बात यही कहेंगे, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जय हिंद दोस्तों।